गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास थ्री। आज हम आप लोग को हिंदी रीडर में लेसन थ्री दुष्टता का फल पढ़ाएंगे और कठिन शब्दों का अर्थ भी समझाएंगे। बच्चों, दुष्टता का अर्थ होता है क्रूरता। बच्चों, दुष्टता का अर्थ क्या होता है? क्रूरता। और मुंह में पानी आने का अर्थ होता है जी ललचाना, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। प्राणी का अर्थ होता है जीव और मित्र का अर्थ होता है बच्चों दोस्त। आज हम आप लोग को दुष्टता का फल बताएंगे। दुष्टता करने वालों को क्या फल मिलता है? कंचनपुर के धनी व्यापारी के घर की रसोई में कबूतर ने घोंसला बना रखा था। एक दिन एक लालची कौवा घर के आंगन में आकर बैठा तो उसे रसोई में मछली पकड़ने की महक आई तो उसके मुंह में पानी आ गया। वह मछली खाने की तरकीब सोचने लगा। उसकी नज़र कबूतर के घोंसले पर पड़ी। कौवे की नज़र किस पर पड़ी बच्चों? कबूतर के घोंसले पर पड़ी। उसके दिमाग में आया कि रसोई में घुसने के लिए कबूतर से दोस्ती करनी पड़ेगी। उसने सोचा कि अगर मैं कबूतर से दोस्ती कर लूं तो मेरी बात बन जाए। अब कौवा कबूतर पर नजर रखने लगा। वह किस पर नजर रखने लगा? कबूतर पर। जब भी कबूतर दाने के लिए बाहर निकलता तो कौवा उसका पीछा करता था। कौन कबूतर का पीछा करता था बच्चों? कौवा। एक दिन कबूतर ने जब कौवे को अपने पीछे आते हुए देखा तो बोला, भाई कौवे, तुम मेरे क्यों पीछे आ रहे हो? इस पर कौवे ने जवाब दिया, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवा ने कबूतर से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। कौवे की बात सुनकर कबूतर दुविधा में पड़ गया और बोला, हम मित्र कैसे बन सकते हैं? हमारा और तुम्हारा भोजन अलग है, तुम कीड़े खाते हो, मैं दाना चुनता हूँ। इस पर कौवे ने चापलूसी दिखाते हुए कहा, इसमें क्या मुश्किल है? मेरे पास घर नहीं है, इसीलिए अपना अपना भोजन खोजने जाया करेंगे। धीरे धीरे उसकी मित्रता बढ़ने लगी। दोनों की बच्चों मित्रता बढ़ने लगी। यहाँ तक कि घर के मालिक ने भी देखा कि कबूतर और कौवा एक साथ आते और जाते हैं। उसने भी यही सोचा कि दोनों में गहरी मित्रता है। एक दिन जब वे भोजन खोजने के लिए जाने लगे तो कौवे ने पेट का दर्द बहाना कर वह न जाने को मना कर दिया। उस दिन जब कबूतर अकेले ही चला गया तो उस दिन कौवे ने घर के मालिक को नौकर से यह कहते हुए सुना कि आज उसके घर में मेहमान आने वाले हैं। आज मालिक के घर में कौन आने वाले थे बच्चों? मेहमान। इसीलिए मछली बना लेना। कौवे इस बात को इंतजार करता रहा कि नौकर जैसे ही रसोई से बाहर जाएगा वह थाली पर झपट्टा मारेगा। नौकर के बाहर आते ही कौवा थाली पर झपटा और मछली उठाकर आराम से खाने लगा। मगर जल्दी ही नौकर वापस आ गया और उसने कौवे को मछली खाते हुए देखा तो वह आग बगुला हो गया। आग बगुला मतलब बच्चों, वह बहुत गुस्सा हो गया। कौन गुस्सा हो गया? नौकर हो गया। उसने कौवे को पकड़कर मार डाला। शाम को जब कबूतर वापस आया तो कौवे की हालत देखकर उसको पूरी बात समझ में आ गई। दुष्ट प्राणी का दुष्टता का फल अवश्य मिलता है। बच्चों, हम किसी को भी धोखा देते हैं या किसी के साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं तो अंत में उसका फल अवश्य ही मिलता है। सच्चा मित्र वह नहीं होता जो पीठ पीछे छल या कपट करता है। इसलिए बच्चों, हमें किसी के प्रति दुष्टता या किसी की बुराई, किसी को धोखा कभी नहीं देना चाहिए। हम लोग को सदा सबका हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, हमेशा अच्छी बात सबके प्रति सोचना चाहिए।